नमस्कार, मैं प्रिया, धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। मंगलवार को देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड 19 के 5,784 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो पिछले 571 दिनों में एक दिन में दर्ज होने वाले सबसे कम कोरोना के केस हैं। वहीं बीते 24 घंटे में संक्रमण के चलते 252 मरीजों की जान चली गई है। देश में अब तक कोरोना की वजह से 4,75,888 लोग जान गंवा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से मंगलवार सुबह जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में एक्टिव केस की संख्या भी घटकर 90,000 के नीचे आ गई है। फिलहाल 88,993 कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। ये 563 दिनों में एक्टिव केस का सबसे कम आंकड़ा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला के उस बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, पर निशाना साधा है। जोशी ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला को पाकिस्तान ही बसना चाहिए था। दरअसल पत्रकारों से बातचीत के दौरान प्रहलाद जोशी ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला कई बार कह चुके हैं कि भारत को पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, अगर उन्हें पाकिस्तान इतना पसंद है तो उन्हें वहीं बसना चाहिए। 26 दिसंबर से भारत का दक्षिण अफ्रीका दौरा शुरू होने वाला है, लेकिन अभी से भारतीय टीम के लिए बुरी खबरें सामने आने लगी है। चोट लगने के कारण टेस्ट से उपकप्तान रोहित शर्मा के बाहर होने के बाद स्टार बल्लेबाज विराट कोहली दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से बाहर हो सकते हैं। इस बात की जानकारी मंगलवार को एक रिपोर्ट में दी गई है। चोटिल रोहित शर्मा दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाएंगे। इसके साथ ही वनडे मैचों में कोहली भारतीय टीम के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। अपने दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी आज वाराणसी में 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों संग बैठक करते देखे गए और विकास कार्य का जायजा लिया। इस बैठक में गुड गवर्नेंस पर मंथन भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पदों पर बंपर भर्तियां की जा रही हैं, जिसके तहत पुरुषों, महिलाओं और ट्रांसजेंडर सबके लिए पुलिस की नौकरी पाने का मौका है। कुल 2,450 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए पुलिस भर्ती रैली आयोजित की जाएगी। यह वैकेंसी असम पुलिस में बने नए कमांडो बटालियन में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए निकाली गई है। जॉब नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास समुद्र में मंगलवार को 7.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने संभावित सुनामी का अलर्ट भी जारी कर दिया है, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया गया। अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक मंगलवार को आए भूकंप का केंद्र समुद्र में 18.5 किलोमीटर की गहराई पर था और यह स्थान माउमेरे शहर में करीब 112 किलोमीटर दूर है। रूसी ऊर्जा कंपनी रॉसनेफ्ट मॉस्को और नई दिल्ली के बीच ऊर्जा संवाद में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, जिससे सक्रिय रूप से भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग का एक एकीकृत प्रारूप विकसित हो रहा है। रूस भारत का सबसे पुराना और समय की कसौटी पर खरा उतरने वाला साझेदार है। दोनों देशों के बीच नियमित रूप से उच्च स्तरीय बातचीत होती है। दोनों देशों के प्रमुख वार्षिक बैठक भी करते हैं और राजनीतिक बातचीत के अन्य तंत्र भी है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक यह प्रस्ताव जलवायु परिवर्तन पर सुरक्षा परिषद में एक आधिकारिक जगह बनाने को लेकर था। इसके खिलाफ रूस ने वीटो के अधिकार का इस्तेमाल किया है। इस मसौदे का भारत और रूस दोनों ने ही विरोध किया था, जबकि चीन मतदान के दौरान अनुपस्थित रहा। इस मसौदे को आयरलैंड और नाइजीरिया ने पेश किया था और मांग की थी कि सुरक्षा परिषद जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की शांति और संघर्षों को प्रभावित करने वाले कारणों को लेकर लगातार चर्चा करे। पटना हाई कोर्ट में कोरोना महामारी से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की गई। शिवानी कौशिक और अन्य के जनहित याचिकाओं पर चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से बिहार को ऑक्सीजन आपूर्ति और उपलब्धता के बारे में पूरा ब्यौरा मांगा है। पिछली सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा था कि कोरोना के नए वेरियंट के मद्देनजर हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सावधान रहने की जरूरत है। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है। पार्टी क्रिसमस से पहले अपनी पहली सूची जारी करने की योजना बना रही है। कई विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र की अदला बदली करना चाहते हैं। कई विधायकों पर चन्नी सिद्धू और प्रचार समिति के अध्यक्ष सुनील जाखर ने फीडबैक ले लिया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में 4 और लोग कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए गए हैं और ये सभी हाल में विदेश यात्रा कर चुके हैं। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन स्वरूप अब तक सामुदायिक स्तर पर नहीं फैला है और स्थिति नियंत्रण में है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों से मंगलवार को पता चला है कि दिल्ली में 20 दिसंबर को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। आईएमडी के मुताबिक गुरुवार तक न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस, शनिवार और रविवार को 6 डिग्री और 20 दिसंबर को 5 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सप्ताह भर कोहरे के साथ अधिकतम तापमान भी गिरकर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा।
देश के वाहन उपभोक्ता अब सुरक्षा को लेकर अधिक सजग होते जा रहे हैं और वो सुरक्षित कारों के लिए खरीदारी का अपना बजट भी बढ़ाने से संकोच नहीं कर रहे हैं। कार ट्रेड ट्रक के ब्रांड मोबिलिटी आउटलुक के एक सर्वेक्षण के अनुसार करीब एक तिहाई ग्राहक बेहतर सुरक्षा उपकरणों के लिए 30,000 रुपए अधिक देने को भी तैयार है। ये सर्वेक्षण करीब 2.7 लाख उपभोक्ताओं के बीच कराया गया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को राज्यसभा में आरोप लगाया था कि सरकार 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने पर विचार नहीं कर विपक्ष को सदन को बाधित करने के लिए मजबूर कर रही है। खड़गे ने कहा है कि सरकार अपने फैसले पर विचार नहीं कर रही है और आप अध्यक्ष सदन के संरक्षक हैं, हम अनुरोध करते हैं कि निलंबन रद्द किया जाए। सरकार का अड़ियल दृष्टिकोण विपक्ष को सदन को बाधित करने के लिए मजबूर करना है, इसलिए हम वॉकआउट करने का फैसला करते हैं। राजधानी दिल्ली में मंगलवार को भी एयर क्वालिटी बेहद खराब श्रेणी में बनी हुई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 पर रहा, जो बेहद खराब की श्रेणी में आता है। दिल्ली के आसमान में धुंध सी नजर आ रही है और दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी 6 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस पर बना हुआ है। दिल्ली में आज सुबह 7 बजे AQI 346 पर था, सोमवार को यह 307 रिकॉर्ड किया गया था। शेयर बाजार में जबरदस्त तेजी का फायदा निवेशक हर हाल में लेना चाहते हैं। जो निवेशक बाजार में सीधे तौर पर जोखिम के मद्देनजर निवेश नहीं करना चाहते हैं, वो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए बाजार में निवेश करना चाहते हैं। यही वजह है कि एक साल में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में निवेश पहली बार 1,00,000 करोड़ रुपए के पार जा पहुंचा है। 12 सदस्यों के निलंबन का फैसला वापस लेने की मांग पर अड़े विपक्षी सदस्यों के व्यवधान की वजह से मंगलवार को राज्यसभा की कार्यवाही करीब 12 बजे शून्यकाल के बाद दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सहित विपक्ष ने 12 सदस्यों ने निलंबन वापस लेने की मांग की और सुबह राज्यसभा की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए। अफगानिस्तान पर जबरन कब्जा करने वाले तालिबान की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिलने से परेशान है। सत्ता में आने के बाद तेवर दिखाने वाले तालिबान के सुर देश की मंदहाली को देखकर बदलने लगे हैं। यही वजह है कि अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि उन्हें पुराने दुश्मन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ दोस्ताना रिश्तों से कोई परहेज नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में रिकॉर्ड प्रदर्शन के बाद अब भारतीय खेल मंत्रालय पेरिस ओलंपिक की तैयारियों में लग चुका है। भारत ने टोक्यो में 7 मेडल जीते थे, जो कि अब तक का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने मंगलवार को जानकारी देते हुए बताया कि देश में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अभी भी 17.06 करोड़ यानी कि 17,06,13,661 कोविड-19 वैक्सीन के अतिरिक्त डोज उपलब्ध है। भारत सरकार ने मुफ्त और डायरेक्ट स्टेट प्रोक्योरमेंट कैटेगरी के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 140.38 करोड़ यानी कि 140,38,75,650 वैक्सीन की डोज उपलब्ध करवाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हालिया राजस्थान दौरे के बाद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी अगले महीने राज्य का दौरा करेंगे। नड्डा 8 जिलों में नए पार्टी कार्यालय भवनों का अनावरण करेंगे। महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए राज्य के नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। संसद में सोमवार को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE द्वारा 10वीं की अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पूछे गए एक सवाल का मुद्दा उठा। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अंग्रेजी के प्रश्न पत्र में आए पैसेज को महिला विरोधी बताया और CBSE बोर्ड और शिक्षा मंत्रालय से इस प्रश्न को वापस लेकर माफीनामे की मांग की है। IIT दिल्ली के शोधकर्ताओं ने 90 मिनट के भीतर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान करने के लिए एक RT-PCR आधारित तकनीक विकसित की है। अब इसकी जांच और पहचान करने में 3 दिनों से अधिक का समय लग जाता है। इसे संस्थान के कुसुमा स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज द्वारा विकसित किया गया है। इसके लिए संस्थान ने अब एक भारतीय पेटेंट आवेदन दायर किया है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने मंगलवार को केंद्र और राज्य की सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ताबड़तोड़ घोषणाएं, शिलान्यास और आधे अधूरे कार्यों का उद्घाटन करने से किसी पार्टी का जनाधार बढ़ने वाला नहीं है। उन्होंने बिना नाम दिए समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले दूसरी पार्टियों के निष्कासित और स्वार्थी किस्म के लोगों को शामिल करने से कोई पार्टी मजबूत नहीं होती। इंडिगो की फ्लाइट नंबर 6E2376 में यात्री करीब 1 घंटे तक फंसे रहे। इसकी वजह से फ्लाइट में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इस दौरान एक यात्री की तबीयत भी खराब हो गई। यह आरोप VHP नेता विनोद बंसल ने लगाया है। उन्होंने कहा है कि यह फ्लाइट रायपुर से दिल्ली के लिए थी। विनोद बंसल का आरोप है कि केवल दिल्ली में ही यात्री फंसे नहीं रहे, बल्कि इंडिगो की यह फ्लाइट रायपुर में भी लेट उड़ान भरती देखी गई थी।
दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय ने खराब वायु गुणवत्ता की वजह से दिल्ली में आने वाली गैर जरूरी गाड़ी और कंस्ट्रक्शन के कामों पर पाबंदी जारी रखने का फैसला किया है। उनका यह फैसला अगले आदेश तक जारी रहेगा, जबकि पहले की तरह सीएनजी से चलने वाली गाड़ी, ई ट्रक्स, आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति करने वाली गाड़ियों को दिल्ली में प्रवेश की छूट रहेगी। इन पाबंदियों पर उन्होंने 16 दिसंबर को समीक्षा करने की बात कही है। राज्यसभा मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रवर्तन निदेशालय के निदेशकों की सेवा कार्यकाल को बढ़ाने वाले विधेयकों पर चर्चा करेगा, जिसे लोकसभा ने पारित किया था। कार्मिक प्रशिक्षण राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह विधेयक पेश करेंगे। केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना संशोधन विधेयक 2021 पर विचार किया जाएगा। सरकार ने लोकसभा में बताया है कि स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत नए खातों में 2018-19 से गिरावट देखी जा रही है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि 2018-19 में स्मॉल सेविंग स्कीम के तहत 4.66 करोड़ नए खाते खोले गए हैं, जो 2019-20 में घटकर 4.12 करोड़ हो गए हैं। वित्त राज्य मंत्री ने बताया है कि यह 2020-21 में घटकर 4.11 करोड़ हो गया है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार वरिष्ठ नागरिक भी सेविंग स्कीम में नए अकाउंट नहीं ओपन करा रहे हैं, जिसके कारण यह गिरावट देखी जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स नाइट फ्रैंक इंडिया ने अपनी 2022 आउटलुक रिपोर्ट पेश की है। महामारी के कारण अगर 2021 ज्यादातर अस्थिर रहा है, तो फिर 2022 तक क्षेत्र के लिए सबसे ज्यादा स्थिर साबित हो सकता है, और यह व्यावसायिक और आवासीय दोनों क्षेत्रों के लिए सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार की रात क्रूज पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के साथ बैठक करने के बाद, विकास कार्यों को देखने के बाद बरेका परिसर स्थित अतिथि गृह रवाना हुए। सुंदरपुर में अचानक फ्लीट रुकवाकर काशी विश्वनाथ धाम चल पड़े। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पीएम की फ्लीट गोदौलिया चौराहा पर रुक गई थी। प्रधानमंत्री यहां उतरे और सीएम योगी के साथ पैदल गोदौलिया दशाश्वमेध मार्ग के विकास कार्य को देखने निकल पड़े। रात भर गुलजार रहने वाले गोदौलिया चौराहे पर अचानक पीएम और सीएम को देखकर लोग अचंभित भी दिखे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है, उनके नाम है नंदू कुमार, कृष्णा दुबे, ऋतिक कुमार, सनी कुमार, संतोष यादव, मंतोष यादव, सूरज कुमार, मोहम्मद महमूद, राजीव कुमार, अनिल कुमार, कादर खान, भगवान मिश्रा। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले टेस्ट सीरीज में रोहित शर्मा के नहीं रहने से भारतीय टीम को नुकसान होगा या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।